आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अब इस चैप्टर को, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हमने पिछली क्लास में जहां तक छोड़ा था अपना, हमने फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स वो कर लिया था। उसके बाद आता है ये हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं रिफाइनिंग। अब ये जो टॉपिक है ना, नो डाउट थोड़ा सा याद रखने वाला तो है ही है, साथ में समझने वाला भी है। अब इसको मैं आपको बताता हूँ हम रिफाइनिंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इजी है और आप समझ पाएंगे, याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे कंसंट्रेशन के बहुत सारे मेथड पढ़े, इसी तरह से हमारे पास रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे लिक्विडेशन, मतलब लिक्विफिकेशन, फिर आपका जो है वेपर फॉर्म में है, फिर आपने इसमें जैसे पढ़ना है लिक्विडेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन, और फिर आता है हमारे पास जोन रिफाइनिंग एंड वेपर फेज रिफाइनिंग। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि हम रिफाइनिंग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले जैसे आपका डिस्टिलेशन आ रहा है, तो आपको याद है 10th में आपने डिस्टिलेशन पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लास में। डिस्टिलेशन में क्या होता था कि आप दो लिक्विड्स को मिक्स करते थे, उसको हीट करते थे, तो उसमें एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता था और एक लिक्विड का ज्यादा। तो हीट करने पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता था उसके वेपर जल्दी बन जाते थे और दूसरा कंटेनर में रह जाता था, जिससे आप डिस्टिलेशन कहते थे। तो ऐसा ही मेटल के साथ करते हैं। क्या होता है, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज फ्रॉम अपना वॉलेटाइल मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मरकरी। द इम्प्योर मेटल इज हीटेड इन अ रिट्रॉट। रिट्रॉट मतलब आपका एकदम से हीटिंग इफेक्ट देते हैं। रिट्रॉट व्हेन द प्योर मेटल वेपराइजेस कंडेंसेस सेपरेटली लिविंग बिहाइंड नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो ये पेपर में आता तो नहीं है बट आप इसे समझ लो, जैसे डिस्टिलेशन, लिक्विफिकेशन, तो इस तरह के हमने तकरीबन 5 मेथड्स इसमें पढ़ने हैं। उसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, उस मेटल ओर के लिए करते हैं जिसमें मेटल वेपराइज हो जाए और इम्प्योरिटीज वहीं रहें, इम्प्योरिटीज के वेपर ना बने, मेटल वेपराइज हो जाए और उसको अलग कलेक्ट करके सेपरेट कर देंगे, इम्प्योरिटी एक जगह रह जाएगी। जैसे सपोज कर लो एक कंटेनर है, इस तरह से डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं, इस फ्लास्क में हमने ये ओर डाला और इम्प्योरिटी डाला, हीट किया और एक कलेक्टर लगाया होता है अलग जगह पे कलेक्ट करने के लिए, हीट करेंगे तो इम्प्योरिटीज के वेपर नहीं बनेंगे, मेटल के वेपर बन जाएंगे, ऐसे मेटल सेलेक्ट करेंगे जिनके बन जाए और फिर उनको यहाँ पे कनेक्ट कलेक्ट कर लेंगे, जिसे हम नाम देते हैं डिस्टिलेशन। तो बहुत ही आसान है, आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा। लो अब आता है हमारा लिक्विडेशन। तो डिस्टिलेशन में क्या था कि नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं, मतलब इम्प्योरिटी की वेपर में नहीं जाएंगी, मेटल जाएंगी। तो इसमें कौन कौन सी मेटल है, कैडमियम, मरकरी, जिंक, तो आपको ये आइडिया लग गया। अब आता है हमारा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन होता है लिक्विड में चेंज होना। आपने 10th में एक टॉपिक पढ़ा होगा कि नेम द मेटल विच मेल्ट्स ऑन योर हैंड। बताओ कौन सी मेटल है विच मेल्ट्स ऑन योर हैंड। कैडमियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, सीजियम। आपकी दो मेटल्स थी जो हाथ पे मेल्ट जाती थी, गैलियम एंड सीजियम। यस, गैलियम एंड सीजियम, तो आपको याद आ गया होगा। तो लिक्विडेशन में वही मेटल्स हम यूज करते हैं जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं। इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन, लेड। द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग हॉट ऑफ अ फर्नेस, देन द मोल्टन मेटल फ्लोज अवे एंड अवे फ्रॉम इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी। तो अब मैं लिक्विडेशन को समझाता हूँ, जरा देखो कैसे लिक्विडेशन वाला कंसेप्ट काम करता है। लिक्विडेशन वाले कंसेप्ट में देखो जी, एक इस तरह का सेटअप होता है, जैसे हमने ये पिट्स बनाए थे ना पिछली बार, तो इस बार पिट्स नहीं होंगे, नॉर्मल सा स्लोप होगा। यहाँ पे इम्प्योर मेटल और ओर रखी जाएगी और हीट किया जाएगा। जब हम हीट करेंगे, जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट नहीं करेगी बट मेटल मेल्ट कर जाएगी, और मेल्ट करने से इस स्लोप के साथ फ्लो कर जाएगी। यहाँ पे कलेक्टर लगा लेंगे और उसके अंदर मेटल आपकी कलेक्ट हो जाएगी, तो उसे कहते हैं लिक्विडेशन। तो ये पेपर में नहीं आता, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए होता क्या है। फिर से मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आगे चलते हैं। लिक्विडेशन, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो मेल्टिंग मेटल्स लाइक टिन, लेड।
द इम्प्योर मेटल इज हीटेड ऑन द स्लोपिंग हर्थ ऑफ अ फर्नेस व्हेन द मोल्टन मेटल फ्लोज अवे फ्रॉम द इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटी. तो यू हैव टू जस्ट कीप इन माइंड. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, फटाफट मैं याद दिलाता हूँ क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो आपने टेंथ में भी पढ़ी हुई है और हमने इस चैप्टर में भी पिछले लेक्चर में भी इसकी डिस्कशन की थी. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होती है, जैसे हमारे पास मेटल है इम्प्योर, मान लो हमारे पास इम्प्योर मेटल है, हम चाहते हैं हमें प्योर मेटल मिले, तो वहां पे इम्प्योर मेटल को बनाते हैं एनोड, ठीक है ना, ये हमने पीछे ही पढ़ा था. और प्योर मेथड मेटल को हम बनाते हैं कैथोड, और जो हमारा सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइट है वो होता है हमारा मेटल सॉल्ट. तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये ध्यान में आ जाए क्या होता है. तो टेंथ लेवल पे ये काफी इंपॉर्टेंट था, प्लस वन प्लस टू लेवल पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट आपको ध्यान रखना है. जैसे मान लो ये कंटेनर है, मुझे कॉपर प्लेटिंग करनी है, तो मैंने कॉपर रोड ले ली. वैसे इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जो है ना सभी मेटल के लिए की जा सकती है. इसको शुरुआत में सिर्फ रिएक्टिव मेटल्स के लिए यूज किया गया क्योंकि वो रिड्यूस नहीं होती थी. अब ये आया आपका यहाँ पे और ये इस तरह से आया. पॉजिटिव टर्मिनल सेल का जिसको दोगे वो बिहेव करता है एनोड, नेगेटिव टर्मिनल आपका करता है कैथोड. तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है कि इम्प्योर मेटल को एनोड बनाना है. ये इम्प्योर मेटल है, मान लो कॉपर इम्प्योर मेटल है, ये कॉपर प्योर मेटल है इम्प्योर. इसका प्रिंसिपल है कि इम्प्योर मेटल को हमेशा एनोड बनाना है और प्योर मेटल को कैथोड बनाना. और इलेक्ट्रोलाइट में आपका कॉपर सल्फेट आ जाएगा. अब जैसे ही आप करंट पास करेंगे तो कॉपर के आयंस बनेंगे जो सॉल्यूशन में जाएंगे. अब कॉपर आयंस का चार्ज होगा पॉजिटिव, ये रॉड का चार्ज है नेगेटिव, तो ये कॉपर आयंस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो जब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे तो थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर कॉपर की लेयर बननी शुरू हो जाएगी और यहाँ से कॉपर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा. कॉपर आयन सॉल्यूशन में जाएंगे और इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी. तो याद आया आपको इस इम्प्योरिटी को हम क्या नाम देते थे, इस इम्प्योरिटी को नाम देते थे एनोड मड. बस इतना ही है. फिर एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख देनी है बस. एनोड, एनोड होता है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. कॉपर आयन दो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ये आयन सॉल्यूशन में जाते हैं और कॉपर आयन बन जाता है. कैथोड, कैथोड नेगेटिव होता है, यहाँ पे क्या होगा, कॉपर आयन्स दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड बन जाएंगे और इम्प्योर रॉड को मोटा करेंगे. तो पेपर में आ जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट, वैसे तो इसमें से कुछ खास आता नहीं है, मेनली इसका आ सकता है प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो प्रिंसिपल में आपने बताना है कि जो इसका प्रिंसिपल है इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट दैट इम्प्योर, अपना इम्प्योर मेटल इज मेड एनोड, प्योर मेटल इज मेड कैथोड, एंड मेटल सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइट. दैट्स इट, बहुत ही सिंपल. पेपर में प्लस टू लेवल पे ये ज्यादा पूछा नहीं गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग. अब चलते हैं आगे. तो इसका मैंने बेटा लिखने का टाइम नहीं दिया, बाद में जब मैं वीडियो भेजूंगा तो आप लिख लेना, जहां मुझे लगेगा कि साथ साथ लिखना भी चाहिए वहां मैं बोलूंगा भी. तो आप अपनी पेजेस वगैरह छोड़ देना, अगर लिख रहे हो साथ साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है. अब आता है हमारा टॉपिक जोन रिफाइनिंग एंड वेपर फेज रिफाइनिंग. तो ये भी हमारी रिफाइनिंग चल रही है और ये दोनों टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. पेपर में ये दोनों टॉपिक बहुत बार पूछे गए हैं बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल. और जैसे वेपर फेज रिफाइनिंग दो तरह की है, तो पहले हम जोन रिफाइनिंग की बात कर लें फिर वेपर फेज की बात करते हैं. लो जी, अब हम समझेंगे अपना टॉपिक रिफाइनिंग का. इस टॉपिक का नाम है जोन रिफाइनिंग. अब समझना ध्यान से जो मैं समझा रहा हूँ, जोन रिफाइनिंग, ठीक है, स्पेल मिस्टेक हो गए. जोन रिफाइनिंग, अब ये जोन रिफाइनिंग क्या होती है समझो. इसमें क्या होता है, इसमें एक इम्प्योर मेटल की रॉड लेते हैं, ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ. इम्प्योर मेटल की रॉड लेते हैं और इस इम्प्योर मेटल के अराउंड एक सर्कुलर हीटर लगा देते हैं. ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने रेड से दिखाया, ये सर्कुलर हीटर है. अब क्या करते हैं, ये मेटल रॉड है इम्प्योर,
और ये सर्कुलर हीटर है, सर्कुलर हीटर को कभी नीचे लेके जाएंगे कभी ऊपर लेके जाएंगे। अब इस तरह से करने से क्या होगा, जो आपकी इम्प्योर रॉड है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज, यही दो चीजें होंगी ना, इम्प्योरिटीज। ऐसा करने से क्या होता है, मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों मेल्ट कर जाती हैं। अब इसमें क्या फर्क है, जब दोनों मेल्ट करेंगी तो मेटल की खासियत है कि मेटल जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगी, मतलब क्रिस्टलाइज हो जाएगी जल्दी, बट इम्प्योरिटीज काफी देर मेल्ट रहती है, वो जल्दी सॉलिड में चेंज नहीं होती। ध्यान से देखना, ये प्रिंसिपल है, पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग, इन जोन रिफाइनिंग मेटल इज इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल देन मेटल, इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल देन मेटल, मतलब जब आप हीट करोगे तो दोनों मेल्ट हो जाएंगे, बट मेटल जल्दी से सॉलिड बन जाएगी और इम्प्योरिटी टाइम लेगी सॉलिड बनने में। अब इसके इसी का बेनिफिट है एक्सट्रैक्शन में। ऐसा करने से क्या होगा कि मेटल और इम्प्योरिटी मेल्ट हुई तो मेटल तो सॉलिड होके वहीं रुक जाएगी, बट इम्प्योरिटी फ्लो कर जाएगी नीचे को, इम्प्योरिटी नीचे को फ्लो कर जाएगी और एक जगह इकट्ठी होती जाएगी, तो मेटल अलग इम्प्योरिटी अलग, बाद में इसको कट करके अलग कर लेंगे, इसे कहते हैं जोन रिफाइनिंग। तो आई गेस आपको समझ में आया, एक बार फिर से सुनो जोन रिफाइनिंग की कहानी। इम्प्योर मेटल रॉड लेते हैं, इसके ऊपर सर्कुलर हीटर लगाते हैं, सर्कुलर हीटर, इस हीटर को अप एंड डाउन रोटेट करते हैं, रोटेट करने से क्या होगा, मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों मेल्ट हो जाएंगी, बट इसमें एक डिफरेंस है कि जो मेटल है वो जल्दी से सॉलिड बन जाती है, बट इम्प्योरिटीज काफी देर तक लिक्विड फॉर्म में रहती है। इस कारण क्या होगा कि इम्प्योरिटीज नीचे को फ्लो कर जाएंगी और मेटल वहीं पे रह जाएगी, तो इस प्रोसेस को मैनी टाइम्स करते हैं, जब उनको लगता है कि ये प्रोसेस खत्म होने वाला है तो इम्प्योरिटीज को एक तरफ करके उसको कट करके अलग कर लेते हैं। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड जोन रिफाइनिंग। अब मैं इसे रीड करता हूँ और आपको समझाता हूँ, देखो समझो। इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, पहली दो लाइनें बेटा याद भी करनी है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल, यही तो बताया कि इम्प्योरिटी जल्दी सॉलिड नहीं बनेगी, मोर सॉल्युबल इन मोल्टन स्टेट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल, बस ये प्रिंसिपल है और पेपर में प्रिंसिपल ही आता है। अब ये वाली डायग्राम देख के ना बच्चा जनरली कंफ्यूज हो जाता है, और ये डायग्राम बड़ी ना अजीब ढंग से बनाई हुई है, तो मैंने आपको समझाने के लिए डायग्राम बहुत ईजी ढंग से बताया और किस तरह से ये बनेगी डायग्राम, ये मैंने आपको आपके सामने दिखाया कि आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। लो जी, अब इसको आगे पढ़ते हैं। द इम्प्योर मेटल इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर हीटर, मतलब जो आपको कहानियां बताई हैं वही है, एट द वन एंड, एंड उस पर थोड़ी देर में बताता हूँ। The pure metal crystallizes out of the melt and impurities pass into adjacent molten zone. This process is repeated several times till impurities are completely driven to one end of the rod and is cut off and discarded. कौन से metals के लिए करते हैं ये? Semiconductors वाले metals के होता है, silicon, germanium, boron and gallium. तो zone refining हम semiconductor वाले metals के लिए पूछते हैं। अब इसमें दो question आते हैं paper में, पहला क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग, दूसरा क्वेश्चन आता है इज डन फॉर विच मेटल और विच एलिमेंट। लो इसका जरा प्रिंसिपल याद करो फटाफट। देखो जी पढ़ते हैं अब यहां से, देखो ध्यान से। वेपर फेज रिफाइनिंग, इन दिस मेथड मेटल इज कन्वर्टेड इनटू वोलेटाइल कंपाउंड, जैसे मैंने यहां बताया कि इम्प्योर मेटल होगा उसको किसी एलिमेंट से रिएक्ट करेंगे जिससे वोलेटाइल कंपाउंड बन जाए, वेपर में बन जाए, फिर कहीं और कलेक्ट कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, volatile compound and collected elsewhere, it is then thermally decomposed to get pure metal, it is of two type, Mond process for nickel, Van Arkel method for titanium and zirconium. अब देखो क्या होता है Mond process में, Mond process में निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड से हीट करते हैं, तो जब ऐसा करते हैं तो निकल कार्बोनेट का वेपर स्टेट बन जाता है, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। इस वेपर स्टेट को कलेक्ट करके हीट करते हैं जिससे निकल अलग हो जाए और कार्बोनेट अलग हो जाए, तो ये गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगी प्योर मेटल। कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेंगी, टेम्परेचर कंडीशंस। वैन आर्कल मेथड, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम के लिए करते हैं। इम्प्योर मेटल इज हीटेड विद आयोडीन इन एन इवैक्यूएटेड वेसल एंड रिजल्टेंट अपना टेट्रा ऑक्साइड इज डिकम्पोज, थ्योरी नहीं पढ़ते रिएक्शन ही देखते हैं। जिरकोनियम लिया, आयोडीन से रिएक्ट किया,
तो जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बन गया। अब इस टेट्रा आयोडाइड को हीट करेंगे तो जिरकोनियम अलग और आयोडीन गैस के फॉर्म में अलग निकल जाएगा। टाइटेनियम के साथ भी ऐसा ही होता है कि पहले कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स, फिर उसको हीट करेंगे जिससे अपना एलिमेंट अलग हो जाए, प्योर मेटल अलग हो जाए, गैस अलग हो जाए, प्योर मेटल अलग हो जाए। चलो अब जल्दी से वेपर फेज रिफाइनिंग याद कर लो। पहली दो लाइनें प्रिंसिपल, फिर मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए करते हैं, वैन एरकल किसके लिए करते हैं, बस इतना जल्दी से याद करके मुझे सुनाओ, समझते हैं। अब देखो जब हम आगे चलते हैं तो हमारा टॉपिक आता है क्रोमैटोग्राफिक मेथड। तो क्रोमैटोग्राफी वही है जो आपने प्लस वन में भी पढ़ी थी, कलर सेपरेट करने के लिए जो होती है, तो ये इस यहाँ पे भी यूज होती है कि उसमें मेटल को लिक्विड फॉर्म में एड्सॉर्ब करवाते हैं सरफेस पे, ऊपर जाता है, सेपरेशन हो जाती है। तो आप इसे पढ़ लेना, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ, इसको आप पढ़ लेना जब मैं वीडियो भेजूंगा पॉज करके, जस्ट फॉर द नॉलेज आएगी नहीं। अब आता है हमारा ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। अब ऑक्सीडेटिव देखो नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। ये पढ़ता हूँ, ऐसी है, नॉर्मल है, पढ़ के समझ में आ जाएगा। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इम्प्योर मेटल है उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे एंड एक्सपोज टू एयर। अब अगर हम किसी मेटल को हीट करके एक्सपोज टू एयर करें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो ऑक्सीडेशन हो गई। ऐसा होने से क्या होगा, ऐसा होने से क्या होगा, जो उसके अंदर कार्बन होगी वो CO2 की फॉर्म में निकल जाएगी, फॉस्फोरस भी निकल जाएगी, आर्सेनिक ऑक्साइड बन जाएगा, एक्सेट्रा आर ऑक्सीडाइज्ड अलोंग विद आउटगोइंग गैसेस। फॉरेन मेटल प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज ऑल्सो फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ मोल्टन मेटल फ्रॉम वेयर दे आर स्किम्ड ऑफ पीरियोडिकली। ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग ऑफ आयरन इज कैरिड आउट इन बेसमर कन्वर्टर। बेसमर कन्वर्टर एक डिवाइस है जिसमें मेटल को हम सेपरेट करते हैं, तो वो आयरन में हम पढ़ेंगे पूरी उसकी डायग्राम के साथ। तो ऑक्सीडेटिव को अगर हम कंक्लूड करें तो ऑक्सीडेटिव मेथड में क्या बता रहा है कि जो आपकी आपकी जो इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। हीट करने से क्या होता है कि उसमें अगर कार्बन है या कोई S है या कोई और है तो कार्बन CO2 बन के निकल जाता है, इम्प्योरिटी हुई ना, सल्फर SO2 बन के निकल जाता है। इसी तरह से और इम्प्योरिटीज हैं जो निकल जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव मेथड। तो अनमोल ठीक है बेटा, यू लीव द क्लास, वीडियो भेज दूंगा बेटा, देख लेना। हाँ ओके, तो ये इस तरह से हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। तो बस यही चीज थी इसमें, तो इसमें कोई एज सच डिफिकल्टी नहीं है, आएगी भी नहीं, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू नीड टू कीप इन माइंड। अब हम चलते हैं आगे एंड इसको समझते हैं। देखो जी, अब आता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या है ये थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल। एक्चुअली क्या किया उन्होंने, प्लस टू का अपना प्लस वन का थर्मोडायनेमिक्स और प्लस टू का मेटल ये रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पढ़ा है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये एंथैल्पी है, ये टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी तो आपको पता है ना क्या होता है। अब डेल्टा जी की तीन वैल्यूज हो सकती हैं, डेल्टा जी जीरो हो सकता है, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है एंड डेल्टा जी लेस देन जीरो हो सकता है। ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव हो सकता है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव हो सकता है। अब अगर डेल्टा जी जीरो हुआ तो हमने पढ़ा हुआ है प्लस वन में कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए होता है, और डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी मतलब होगी नहीं। अगर नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन हो जाएगी स्पॉन्टेनियस। अब ये यहाँ क्यों पढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा जी का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम रिएक्शंस यूज करते हैं सेपरेशन के लिए तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू चाहिए होती है। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बस यही देखना है। पॉजिटिव आएगा तो नहीं होगी, इक्विलिब्रियम में आएगा तो भी वो नहीं होती। इक्विलिब्रियम मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितना प्रोडक्ट बना उतना रिएक्टेंट बन जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन हमें देखना है डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब ये कंबाइंड वैल्यू ज्यादा होगी, या तो टी ज्यादा हो जाए या एस ज्यादा हो जाए।
जब ये कंबाइंड वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और डेल्टा एच को क्रॉस कर जाएगी और आपका डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव। तो ये सिर्फ एक थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट बता रहा है जिससे आप समझ सकते हो कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर हम कोई एक्सट्रैक्शन की रिएक्शन कर रहे हैं वो फिजिबल होगी कि नहीं होगी। अब इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ना एक ग्राफ बनाया गया जिसमें डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर की स्टडी की गई और इस ग्राफ से डेल्टा जी को यूज करके रिड्यूसिंग एजेंट सेलेक्ट करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट पता है ना, जैसे मेटल ऑक्साइड बन गई तो मेटल ऑक्साइड के बाद रिएक्शन होता है जिससे मेटल अलग हो जाए और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड अलग हो जाए। तो कौन सा मेटल रिडक्शन कर पाएगा ये समझना है हमने। तो अब मैं जो आपको कंसेप्ट कराने जा रहा हूँ समझो जरा ध्यान से, बहुत ही उसे कहते हैं एलिंगम डायग्राम। तो डेल्टा जी वाला आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, यहाँ से हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डेल्टा जी इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, ये भी हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे के का मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है, आर गैस कॉन्स्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है और एल एन नेचुरल लॉग होता है। तो एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे कोई मैथ्स नहीं है, जस्ट ये रिलेट कर रहा है कि आपको डेल्टा जी नेगेटिव आना चाहिए, बस मोटा मोटा सा। अब चलते हैं हम आगे। हम जैसे ही आगे चलते हैं तो हमें एक ग्राफ मिलता है जो आपको दिख रहा है। इस ग्राफ को हम कहते हैं एलिंगम डायग्राम। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एलिंगम डायग्राम। अब आप इस डायग्राम को नाम से डरना नहीं, ना ही पेपर में एलिंगम डायग्राम पूछी जाएगी। पेपर में सिर्फ हम इसका रेफरेंस यूज करेंगे फॉर सिलेक्टिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं इसकी थोड़ी स्टोरी बता दूं, सुन लो बस। स्टोरी है कि जो एलिंगम डायग्राम बनाई वो क्यों बनाई गई, क्योंकि तो हमें मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करनी है। तो कौन सा एलिमेंट रिडक्शन करेगा उसकी सिलेक्शन के लिए ये डायग्राम बनाई गई। तो एलिंगम जो साइंटिस्ट था उसने अलग अलग मेटल को, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट को या एलिमेंट को अलग अलग टेम्परेचर पे पढ़ा और कुछ कंडीशंस उसने देख नोट की जिसको उसने ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप डेल्टा जी देखो तो नीचे की तरफ माइनस हो रहा है, यानी डेल्टा जी जितना नेगेटिव में ज्यादा उतनी स्पॉन्टेनिटी होगी। अब इसको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे समझना। जैसे ये ब्लू लाइन है, ये रेड लाइन है, यानी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, इन दोनों को कंपेयर करो। इन दोनों को, इन दोनों लाइन में, ये ए से नीचे नीचे, ए तक नहीं जाना, ये वाली पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को कंपेयर करो और मुझे बताओ किसकी डेल्टा जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, एल्युमिनियम की या मैग्नीशियम की? बोलो जरा किसकी है सबसे ज्यादा? मैग्नीशियम की सर। मैग्नीशियम की। तो बस यही देखना है हमने, जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो बस हम कंपैरिजन करेंगे कि नेगेटिव में डेल्टा जी किसकी है। अगर हमें दो एलिमेंट दिए होंगे तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दिया आपको, तो दोनों में कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जिसका डेल्टा जी ज्यादा होगा, माइनस में ज्यादा होगा, तो मैग्नीशियम ऑब्वियसली। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि ग्राफ के हिसाब से ए पॉइंट के बाद चेंज आ जाता है, क्या चेंज आता है ए पॉइंट के बाद? ग्राफ के हिसाब से हमने देखा ए पॉइंट के बाद जो हमारा स्लोप है वो लेस नेगेटिव की तरफ चला गया फॉर मैग्नीशियम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1300, ये टेम्परेचर को अगर रिलेट करो तो अप्रोक्सीमेटली 1300 डिग्री के बाद जो मैग्नीशियम है वो रिड्यूस नहीं करेगा एल्युमिनियम को। तो आई गेस आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ। एलिंगम डायग्राम याद नहीं करनी है, ये एक सिर्फ रेफरेंस है, जैसे SHE पढ़ा था ना, तो ये एक रेफरेंस है जिसको हम यूज करके ये आइडेंटिफाई करेंगे अपने क्वेश्चन के लिए कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा बेस्ट रहेगा अंडर गिवन कंडीशन। जैसे पेपर में आता है 800 डिग्री सेल्सियस पे एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, 800, तो 800 को कंपेयर करो, 800 को कंपेयर करोगे तो मैग्नीशियम का डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू एल्युमिनियम, ये बेस्ट होगा। अच्छा, अब ये कार्बन, ये CO2 एंड CO, देखो जरा ध्यान से, CO2 एंड CO, इन दोनों को बताओ ये भी अपना तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस पे CO2 एंड CO विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बताओ कंपेयर करके। तो आपने ये देखना है कि नेगेटिव में किसकी वैल्यू ज्यादा है, तो इट इज CO, समझ में आया ना। इसी तरह से आप जिंक और CO को देखो, जिंक और CO, ये रेड लाइन CO है और ये जिंक है, तो इन दोनों में कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अगर मैं इसे कंपेयर करूं एट 400, तो जिंक। तो आपको एलिंगम डायग्राम समझ में आया, देखना कैसे है। मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि हमें एलिंगम डायग्राम समझ में नहीं आया, इसको समझना ही नहीं है, ये एक कंपैरिजन चार्ट है
जिसको देख के हमने सिर्फ ये बताना है कि इसके अंदर कौन सा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन। अब ये इसकी थ्योरी देखो दी हुई है यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं तो ये इसकी थ्योरी है। तो थ्योरी मैं चाहूंगा आप खुद पढ़ें, थ्योरी को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है। देखो जरा ध्यान से, मेटल सॉलिड होता है, ये गैस होता है, मेटल ऑक्साइड सॉलिड होता है। तो यहाँ से यहाँ जाते हुए ना रैंडमनेस बढ़ गई, यहाँ से यहाँ जाते हुए रैंडमनेस बढ़ गई, सॉरी कम हो गई। समझाता हूँ कैसे, एक बार मैं दोबारा समझा दूं रैंडमनेस का मतलब है क्या। तो थोड़ा सा प्लस वन का कंसेप्ट लग रहा है, इसलिए कई बच्चों को दिक्कत आ सकती है। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डेल्टा एस रैंडमनेस है। अगर आपके पास सॉलिड है, सॉलिड से गैस जाओ, गैस से लिक्विड जाओ, तो सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉरी ये उल्टा हो गया, लिक्विड पहले फिर गैस। तो ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस। तो सॉलिड से जब आप लिक्विड जाओगे तो पार्टिकल्स में थोड़ा गैप आता है, गैस में बहुत ज्यादा गैप आता है। तो यहाँ पे रैंडमनेस कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यानी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव यहाँ, और यहाँ पे भी डेल्टा एस पॉजिटिव। रैंडमनेस बढ़ने को पॉजिटिव कहते हैं, इसका उल्टा हो गए तो रैंडमनेस कम हो रही है, नेगेटिव, कम होने को नेगेटिव कहते हैं। बस यही चीज है। तो इस ग्राफ में भी कुछ ऐसा ही है, ये जो मेटल है ये सॉलिड है, ये गैस है, यानी यहाँ रैंडमनेस है, यहाँ जाते हुए प्रोडक्ट बन गया सॉलिड, यानी अगर प्रोडक्ट ज्यादा बन गया तो ग्राफ में चेंज आ जाता है, रैंडमनेस कम हो जाती है। रैंडमनेस कम होने से ये लेस नेगेटिव की तरफ चल जाता है डेल्टा जी। तो बस यही कुछ चीजें हैं जो आप पढ़ोगे। तो सॉलिड लिक्विड की बात करता है रैंडमनेस के लिए, तो इसको आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बस मैं आपको बोल रहा हूँ आप इसको पढ़ लेना। और इसका यूज कैसे करना है वो मैंने अभी क्वेश्चन पूछ के आपसे कर लिया, अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ। टाइम आउट होने में 3 मिनट है, तो एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इसके ऊपर, तो वो मैं करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आया कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम है, इसमें कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी मैंने कंपैरिजन भी करवाया, सजेस्ट अ कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्युमिना। तो आप इस डायग्राम को देखिए, ये हमारी डायग्राम ये रही, लो जी इस डायग्राम को देखो और ये क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन और डायग्राम को कंपेयर करो, कहता है सजेस्ट अ कंडीशन अंडर विच मैग्नीशियम कुड रिड्यूस एल्यूमिना। तो अगर हम डायग्राम देखें तो हमारी कंडीशन ये है कि लोअर लाइन, और कंडीशन है कि टेम्परेचर 1300 से नीचे नीचे, लोअर लाइन यानी जब तक ये नीचे वाला मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना बिलो 1300 के नीचे नीचे ये है, उसके बाद इसमें रैंडमनेस कम हो जाती है क्योंकि सॉलिड हो जाएगा पूरा प्रोडक्ट बनेगा, तो ये कर्व डेविएट कर जाता है। तो कौन सा बेस्ट हुआ, बिलो ए वाला बेस्ट हुआ मैग्नीशियम। अब देखो आंसर क्या कहता है, समझना जरा ध्यान से, आंसर पढ़ रहा हूँ देखो। तो ये एनसीईआरटी बुक से मैंने ये फोटो खींची है। तो एनसीईआरटी बुक में ना यहाँ पे जैसे कोई नई बुक है या कोई ओल्ड बुक है, तो किसी में तो ये आंसर बिलो लिखा है, किसी में अबव लिखा है, एक्चुअली बिलो वाली लाइन है मैग्नीशियम। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो जी इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए को, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Al2O3 and magnesium curves mark A in the diagram, delta G becomes zero. तो यहाँ पे equilibrium आ गया A point पे, यानी इससे नीचे वाली line पे reduction होगी, इससे ऊपर नहीं होगी, okay? फिर answer में क्या कह रहा है? Below that point magnesium can reduce alumina. तो कई books में ना, जैसे मेरे पास old book है उसमें above लिखा है, तो अब जो नई books आ रही ना आप check कर लेना अपने book में, ये वाला question ढूंढ लेना, Allingham diagram के आसपास ही होगा कि above लिखा है कि below लिखा है, जरूर check कर लेना, ठीक कर लेना। तो इसको मैंने ठीक किया, ये बिलो दैट पॉइंट मैग्नीशियम कैन रिड्यूस एल्यूमिना। तो आई गेस आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर ए पॉइंट पे डेल्टा जी जीरो कैसे हुआ, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लो जी समझो जरा देखो ध्यान से, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, डेल्टा जी नेगेटिव किसका है, ए के नीचे ही है ना, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इन दोनों में कौन ज्यादा नेगेटिव है बोलो, ए से नीचे नीचे बोलो, हाँ जी सर ए से नीचे नीचे कौन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, डेल्टा जी मैग्नीशियम ही है ना। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जैसे मैग्नीशियम सॉलिड है ये गैस है, तो जब ये जुड़ेगा तो ये भी सॉलिड बन जाएगा जुड़ने के बाद, तो रैंडमनेस कम हुई, रैंडमनेस कम होने से टी डेल्टा एस की वैल्यू कम हो गई, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम हुई तो नेगेटिव वैल्यू कम 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 कम, इस पॉइंट पे आके दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है जिसे जीरो कहते हैं। समझ में आया, इस पॉइंट पे जीरो का मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम आ गया,
समझ गए, और उसके बाद मैग्नीशियम की और कम हो जाती है, तो मैग्नीशियम ए पॉइंट के बाद पॉजिटिव में चला जाता है, मतलब इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, यानी लेस नेगेटिव, और आपका एल्यूमिनियम मोर नेगेटिव हो जाता है। तो कंडीशन था कि ए पॉइंट के नीचे नीचे मैग्नीशियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब मैं बेटा मीटिंग खत्म करता हूँ, टाइम बिल्कुल ही खत्म हो गया, दोबारा ज्वाइन करो मीटिंग में।